हेलो गुड मॉर्निंग, सभी को स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र ट्रेवल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं, बर्फ में काम स्टार्ट हुआ हमारा, तो आपको दिखाएंगे कैसे लोडिंग करते हैं और हमारी मशीन कंक्रीट कैसे मिक्स करके अनलोडिंग करती है, पूरा प्रोसेस इसका दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी इसमें भी सीमेंट डल रही है और पानी लोड कर लिया, उसके बाद भी सीमेंट का काम चल रहा है, सीमेंट डाल रहे हैं लेबर कुछ इधर, और अभी आपको दिखाएंगे जब लोडिंग करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे कैसे लोडिंग करते हैं और मिक्सिंग होकर कैसे कंक्रीट इसके बाहर आता है, पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और अब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम पे जितेंद्र ट्रेवल ब्लॉग को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। कंक्रीट जहाँ पे लोडिंग करना मुझे, वहाँ पे काफ़ी बर्फ जमी हुई है गिट्टी और बजरी के ऊपर, ये कुछ ये हालात हैं। और इधर तो बालू तरफ तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये फिर भी लोडिंग करेंगे आपको दिखाएंगे कैसा है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमारे दोस्तों मशीन का कैमरा लगा हुआ है फ्रंट साइड में, बैक साइड में है मतलब देखने के लिए, क्योंकि जब हम लोडिंग करते हैं ना स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं और स्टेयरिंग पे बैठने के टाइम में हमको सामने का ज़्यादा नहीं दिखता है। सीमेंट डल गई और ये हमारा है मीटर, इससे पूरा बैच कंप्लीट होता है, कितना हमें पानी लेना है, कितना हमें सीमेंट लेना है, कितना हमें गिट्टी लेना है, कितना बजरी लेना है, पूरा इसमें बताता है। और यहाँ से एक स्लिप भी आ जाती है। तो चलिए अब लोडिंग करते हैं सीमेंट। पहले ड्रम को फुल रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, ये ड्रम पूरा फुल घूमने लगा, उसके बाद बकेट को अप करेंगे, बकेट ऊपर उठने लगा और कैमरे में दिख रहा होगा ये जैसे ही ऊपर आएगा, ये ढक्कन है इसका बकेट का ऊपर का, जो इसको पुश करेंगे हल्का से रेड बटन को और लेफ्ट साइड करेंगे तो ये खुल जाएगा, एक्सीलेटर देंगे होता है कंप्लीट दोस्तों। अब हम चलेंगे अनलोडिंग के लिए। तो ये हमारा कंक्रीट पूरा मिक्स होके अनलोडिंग होने लगा।